और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज है। राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम गहलोत वर्चुअल जुड़ेंगे। लता मंगेशकर और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मानद उपाधि दी जाएगी। तो आपको बता दें, आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह और इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहेंगे, सीएम गहलोत भी वर्चुअली जुड़ेंगे और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर को और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मानद उपाधि दी जाएगी। तो आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए बड़ा दिन, आज कार्यक्रम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह और इस दीक्षांत समारोह और इस कार्यक्रम की ये बड़ा इसलिए भी क्योंकि इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, आज दीक्षांत समारोह है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में? देखिए, एक और जो ऐतिहासिक दिन जो है आज कुलपति जो पीसी त्रिवेदी के निर्देशन में जुड़ने जा रहे दीक्षांत समारोह 12 बजे से शुरू होगा। राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि होंगे और जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं डीआर मेहता वो उनका भी संबोधन होगा। बड़ी बात ये स्वयं कोकिला लता मंगेशकर को एक डीलिट की उपाधि है, ऑनरेरी उनको डिग्री सम्मानित किया जाएगा और उसके साथ ही जो हरित क्रांति के जनक रहे पी एस श्रीमाथन उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है ऑनलाइन आयोजित होगा लेकिन जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सिंबॉलिक रूप से यहाँ पे भी आयोजित होगा। जी राजीव, कौन कौन अतिथि इसमें जुड़ेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री और कलराज मिश्र राज्यपाल तो मौजूद रहेंगे और कौन इस दौरान मौजूद रहेगा? देखिए, जो पूर्व आईएएस अधिकारी डीआर मेहता के अलावा लता मंगेशकर चूंकि ठीक नहीं है, उनके परिवार से शायद उनके भतीजे या कोई वो भी इससे जुड़ेंगे और एक श्रीनाथन है वो भी इससे जुड़ेंगे और तमाम जो प्रोफेसर्स हैं वो जो और ऑनलाइन कार्यक्रम है लेकिन सिंबॉलिक रूप से जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए।